बारिश और बाढ़ की मार से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बारिश रुक नहीं रही और आफत बढ़ती जा रही है। बिहार और असम के बाद अब गुजरात में बाढ़ का तांडव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में बीते 24 घंटों की बारिश से आफत में कई गुना इजाफा हो गया है। वडोदरा में बुधवार को तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 14 घंटे के भीतर शहर में 18 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बारिश इतनी तेज थी कि बौछारों से दुकानों के शटर तक टूट गए। कई निचले इलाके लबालब हो गए। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वडोदरा कलेक्टर ने आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। बारिश की मार से अहमदाबाद भी नहीं बचा। पानी भर जाने की वजह से हाईवे पर कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रही और भी कई जगहों पर ट्रैफिक जाम रहा। आंदण के आंकलाव में पड़ने वाले चामड़ा गांव में बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। कच्छ में भी बारिश के हालात बिगड़ रहे हैं। कच्छ के कोठारा गांव में बुधवार को 11 इंच बारिश हुई। बारिश में कई निचले इलाके डूब गए। पानी भरने की वजह से एक पुल भी टूट गया। बिहार में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 130 तक पहुंच गया है। 13 जिलों में कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। दरभंगा का हाल देखें तो आफतों का कोई अंत नहीं दिखता। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक मकानों के सिर्फ छतें दिख रही हैं। पानी से लबालब गांव में लोगों ने पेड़ पर खटिया बांधकर मचान बना लिए। पेड़ पर बैठे बैठे पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। बारिश से नदियों में उफान भी कम नहीं हो रहा। दरभंगा से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं। बाढ़ का पानी पुलों को छूते हुए बह रहा है। मधुबनी के ओझोल गांव में थोड़ी सी बारिश रुकी तो पूरा गांव बोरियों में मिट्टी भरकर तटबंध बनाने में जुट गया। कमला बलान का पानी कई कच्चे घरों को बहाकर ले जा चुका है। नदी से दूर एक सरकारी स्कूल लोगों का ठिकाना बना हुआ है। बेतिया में बाढ़ के पानी में दर्जनों गांव के लोग घर से बेघर हो गए हैं। कच्चे मकान कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। पूरा का पूरा गांव सड़क पर प्लास्टिक के तिरपाल में डेरा डाले हुए है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े और बूढ़े सब खुले में रहने को मजबूर। मोतिहारी में सबसे ज्यादा उफान 12 जुलाई को आया था। कई गांव में अब तक पानी नहीं उतरा है। मोतिहारी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हालत यह है कि अस्पताल के कर्मचारी तक अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीतामढ़ी में किसानों को बड़ी चिंता अब आगे साल भर तक की है। बाढ़ में हजारों एकड़ में खड़ी फसल चौपट हो चुकी है। थोड़ा बहुत पानी उतरता है तो फिर बारिश की झड़ी लग जाती है और खेत फिर लबालब हो जाते हैं। रुख करते हैं असम का, जहां बाढ़ से मरने वालों की तादाद अब 85 से ज्यादा हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत सभी प्रमुख नदियां अब भी उफान पर हैं। असम के मोरीगांव में काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाढ़ का पानी थोड़ा बहुत उतरने से जान में जान आई है। वन विभाग की टीम नाव से नेशनल पार्क के दूर दूर के इलाकों तक पहुंच रही है और हालात का जायजा ले रही है। पार्क में पेड़ की टहनियां काट कर डाली जा रही हैं ताकि गैंडों को भोजन मिलता रहे। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई इस बाढ़ में 5 गैंडों समेत 60 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। पार्क का 90% हिस्सा अब भी बाढ़ से डूबा हुआ है। जम्मू के राजौरी में अब भी बाढ़ के भीषण हालात। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर। पहाड़ों से मिट्टी बहाकर लाते पानी ने कीचड़ का सैलाब बना दिया है। देश के और भी पहाड़ी हिस्सों में बारिश आफत खड़ी कर रही। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 44 बंद हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति भी रास्ते में फंस गया, जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया। घाटी में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और लैंडस्लाइड का अंदेशा है। रामबन और बनिहाल के बीच लैंडस्लाइड की ज्यादा आशंका बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह जोरदार बारिश हो रही है। शिमला कालका हाईवे तारा देवी में गोयल मोटर के नजदीक लैंडस्लाइड होने से देर रात सड़क किनारे खड़ी कार मलबे में दब गई। सुबह पीडब्ल्यूडी ने मशीन की मदद से मलबा हटाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे 2 दिनों से बंद पड़ा है। बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 गौशालाओं में आग लग गई, जिसमें 5 मवेशी जिंदा जल गए। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे में धौन के पास पहाड़ी के खिसकने से NH9 बंद हो गया। मलबे की चपेट में आई कई गाड़ियों के यात्रियों की जान बाल बाल बची। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रूट डाइवर्ट कर दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भी अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। सांगली में 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से वारणा बांध 75% तक भर गया है। वारणा का पानी अब खेतों में भरने लगा है। कृष्णा नदी में भी उफान से सांगली के 4 पुल डूब गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से नासिक मुंबई हाईवे पर लंबी दरार पड़ गई है। कर्जत घाटी के आसपास कई जगहों पर सड़कों पर लंबी दरारें दिखाई दे रही हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से यहां कई बार लैंडस्लाइड भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगहों पर सड़कें धंसने से लोग डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।